Mubarak, everyone, and also Mubarak to all Bhai Bhakt because Salman Khan's Bharat has finally released. Salman hai, tum mumkin hai. My one-line review for this film and every other Salman Khan film. Let's just understand the ground rules here. Salman Khan plays Salman Khan in every film. Character ka naam, situation. Anyway, इस फिल्म में he's called Bharat, born pre-partition, जिसने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, much like the देश जिसके नाम पे इनका नाम रखा गया. Also, Salman Khan's old age is his business, none of our business, which is why he's playing a 70 साल का वृद्ध व्यक्ति with a Suryavansham type white दाढ़ी, beating biker goons ऐसे. बट आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि रियलिज्म के नाम पे 3.5 रिंकल्स तो चिपकाए चेहरे पे. सो वेदर ही प्लेज अ यंग लैड और अ 70 ईयर ओल्ड ओल्डी, इनके चार्ल्स स्वैग 100% सेम ही रहता है. भाई दिस इज सलमान खान एंड ही विल डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, एंड व्हाट विल वी डू, सस्पेंड आवर डिसबिलीफ एंड जस्ट कैरी ऑन. दैट्स बिकॉज राइटर डायरेक्टर अली अब्बास जफर इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. There's a point in the film when Bharat says, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो बातचीत, प्यार और बॉलीवुड गानों से सॉल्व ना हो. और इन तीनों का इतना सही प्रयोग हुआ है ना इस फिल्म में. एक तो इन्होंने सलमान ले लिया, जो कुछ भी करते हैं ना इतनी कन्विंसिंगली कि यू आर लाइक ओके फाइन आई बिलीव इट. देन दे हैव कैटरीना कैफ. फ्रेंकली बोथ सलमान एंड कैटरीना हैव लिमिटेशंस एज एक्टर्स, बट टुगेदर ना देयर इज सम मैजिक. Of all those rumors we heard about them being together, I don't know if that has a role to play, but there is a certain ease. Like, dono ko ikatthe dekhke na maza to bada aata hai. Katrina also, like Salman, is not aging, but then you are like, Katrina hai, to mumkin hai. And the next smart thing that they've done, Sunil Grover ko le liya. Frankly, Sunil Grover ka talent and versatility, we never doubted. But in this film na, his screen time is utna hi jitna Salman Khan. So he finally gets a chance to showcase his talent. And the film is richer thanks to that. अब स्पॉइलर फ्री रिव्यू है तो सबके नाम तो आपको नहीं बताऊंगी, बट एंसेंबल कास्ट में कुमुद मिश्रा, सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, छोटे रोल्स बट दे आर ऑल सो गुड. ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द मूवी, कैटरीना एंड सलमान को छोड़ के ना बाकी सारे कैरेक्टर्स बूढ़े हो रहे हैं. इनफैक्ट फिल्म बीच में हमें इतनी लंबी लगती है कि लगता है 2-3 साल तो हम भी बूढ़े हो गए. 167 मिनट्स लंबी एंड आफ्टर इंटरवल ना बीच में तो ऐसे लग रहा था GPS ही ऑफ हो गया, बट देन लाइक ठीक है ना, क्योंकि जो यूनिवर्सल इमोशंस ऑफ लव, दोस्ती, प्यार, दिस फीलिंग ऑफ लॉस, वादा जो कभी पिताजी को किया था, ये सारी चीज़ें से आपको इमोशनल कर देती हैं. सब थोड़ा फूट फूट के रोगे, थोड़ा खिलखिला के हंसोगे. एंड इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी हाउ भारत स्टोरी रन्स पैरेलल टू दैट ऑफ देश भारत. हाउ बोथ आर कोपिंग अप विद द हॉरर्स ऑफ द पार्टीशन, देन स्लोली रीबिल्डिंग देयर लाइव्स. बट फिर ये भी समझ में आ जाता है दैट एवरी कैरेक्टर एंड सिचुएशन इन भारत एग्जिस्ट टू ओनली वैलिडेट सलमान खान, जो कि प्रियंका चोपड़ा ने नहीं किया, इसलिए ये आज भी नहीं याद करते. अब वैसे तुम्हें सलमान खान यूनिवर्स में टोटली सरेंडर हो चुकी हूँ, बट आर्गुमेंट से थोड़ी तो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी होती है ना. आंखों की शर्म की नहीं भाई, हमने थोड़ी रिसर्च की है. एटलीस्ट कपड़े तो टाइम पीरियड के हिसाब से पहना लेते. कैटरीना कैफ, दिशा पटनी, नौरा फतेही, दे लुक लाइक दे आर मॉडलिंग फॉर वोक. यू नो वन वे दे कुड हैव हैंडल्ड द लेंथ, इसकी कुछ बोरिंग गाने काट देते, पर नहीं. अब आपको तो पता है दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल ही जीतता है यार. इस फेस्टिव सीजन विद योर फैमिली फ्रेंड्स इफ यू वांट टू गो, यू कैन डेफिनेटली गो वॉच भारत, क्योंकि दिमाग तो बोलेगा कि इमोशनली मैनिपुलेट किया है, पर दिल ना आ चुका है. यू एट द एंड ऑफ इट डू केयर फॉर दीज कैरेक्टर्स, एंड सो आई एम गोइंग टू गो विद 3 queens out of 5. Like I said, सलमान है तो मुमकिन है. That's it from me. भाई से तो आप लोगों को ईदी मिल गई, मुझे क्या मिला? लाइक करो यार वीडियो को, शेयर करो क्विन को, सब्सक्राइब करो और अच्छे वाले कमेंट्स लिखना मत भूलो.